वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ चिकन कॉर्न सूप, जो बहुत मजेदार बनने वाला है। इतना टेस्टी कि आप बाजार से लाने का सोचेंगे भी नहीं और घर में ही आप ये मजेदार सूप बनाएंगे और एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। आप देखें कि इसमें वो तमाम चीजें जो एक आप बाजार से सूप लाते हैं उसमें होती हैं, आप बाजार के सूप को भूल जाएंगे। इतना लजीज ये सूप बनेगा और आपको मेरी रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप जरूर बनाना चाहेंगे। बिल्कुल मेरी ही तरह मज़ेदार सूप आप बनाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को पूरी तरह से सही से फॉलो करेंगे तो आप भी इतना ही लजीज और मज़ेदार सूप घर में आराम से बना सकते हैं। उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए। एक प्याली मैंने चिकन लिया है विद बोन, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून हमने कॉर्न लिए, 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 अदद अंडा, 1 टी स्पून चीनी, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक रेगुलर नमक जो आता है, सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनेगर, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून पिसा हुआ काली मिर्च। तो ये तमाम अज्जा हैं जो सूप में जाएंगे। तो चले आए हम अपने ये मज़ेदार सा सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। को स्टार्ट करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैंने 5 गिलास पानी डाले हैं और अब उसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूंगी। ये जो मैंने आपको दिखाया था एक प्याली चिकन, ये मैंने डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी और कोई इसमें कोई मसाले गरम मसाले कुछ नहीं जाएगा। ये वैसे ही बहुत मज़ेदार सूप बनेगा और इसे हम बॉयल करेंगे। जब ये अच्छी तरह इसकी यखनी बन जाएगी तो इसमें से बोटियाँ निकाल कर मैं उसे अच्छी तरह से रेशा कर लूँगी और जब तक ये चिकन बॉयल होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। व्यूअर्स, ये चिकन की यखनी बहुत अच्छी तरह से जो है कुक हो गई है और अब इसमें से मैं ये तमाम बोटियाँ निकाल लूँगी इनका रेशा करने के लिए। और हमें यही चाहिए था चिकन स्टॉक जो हमारा रेडी हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। घर में ही इतना मज़ेदार सूप रेडी कर सकते हैं। चले, मैंने इसमें से तमाम जो बोटियाँ थी चिकन की वो निकाल ली हैं और ये सिर्फ चिकन स्टॉक रह गया है और हमें यही चाहिए था। चलें, जो चिकन मैंने निकाला था यखनी में से उसे मैंने इस तरह रेशा कर लिया, श्रेड कर लिया है मैंने इसे हाथ की मदद से या आप फॉर्क की मदद से कर लें। और जो यखनी हमने बनाई थी अब उसमें हम ये मसाले डालेंगे। जो मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक सॉल्ट और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाले डालकर मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी यखनी में। अब ये यखनी है, आप देखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया मसाले डालने की वजह से, बहुत कम मसाले जाते हैं, बहुत मज़ेदार सूप बनता है और ये आप 5 से 6 लोगों में सर्व कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में ये बनेगा। जब ये बहुत अच्छी तरह हो गए तो कॉर्न जो मैंने आपको दिखाए तो ये 4 टेबल स्पून भुट्टे के दाने जिसे मैंने निकाल लिया था, अब मैं ये भी डाल दूंगी। और जो चिकन मैंने रेशा किया है वो चिकन भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं रोकूंगी, सर्व करते वक्त मैं दिखाऊंगी आपको। ये भी इसमें गया और जब ये बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अंडा डालेंगे, फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसमें बहुत अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी, क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर इस टाइम डाला तो वो इसमें थिकनेस नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग जो सूप बनाते हैं तो उनके सूप जो है पतले रह जाते हैं, उसमें थिकनेस नहीं आती। वो वजह यही होती है कि आप उसे अच्छी तरह से बॉयल नहीं करते और आप डाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स की बातें होती हैं जो आप अपने जहन में रखें तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे मैं बना रही हूँ, मज़ेदार। ये देखें, देखें फ्रेंड्स, ये इसमें बॉयल आने वाला है और जो मैंने आपको 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर दिखाया था उससे मैंने 2 टेबल स्पून पानी डालकर इस तरह डाइल्यूट कर लिया और अब मैं इसे इसमें डालूंगी और तेज़ तेज़ चम्मच चलाती रहूंगी ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखें, अब ये सूप जो है बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो इस कंडीशन पे हम जब ये होगा तब हमें ये कॉर्नफ्लोर इसमें डालना है। ठंडा जब ये हो और इसमें बॉयल ना आया हो तो तब नहीं डालना, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आपका सूप भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे मैं बना रही हूँ,
टेस्टी भी और देखने में भी मज़ेदार, खाने में भी मज़ेदार। तो अब मैं थोड़ी सी गैस की फ्लेम कम कर रही हूँ और इसको मैं डालकर फटाफट इसमें मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई। ये देखें और मुसलसल चमचा चलाते रहना आपको। और जो एक अंडा मैंने आपको दिखाया था, अब वो अंडा मैं इसमें डालकर, ये देखें थिकनेस आ चुकी है सूप के अंदर जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। और अब ये अंडा मैं इसमें डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2-3 सेकंड तक मैं इसे इसी तरह छोड़ दूँगी। अंडे को मैं अभी चलाऊँगी नहीं। ये देखें ये रेशे से जो बन गए ना, अब हम इसमें चमचा चलाएंगे। ये देखें आप, मज़ेदार सूप बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरी तरह सूप बनाना चाहते हैं तो तमाम वीडियो को इसी तरह फॉलो करें बिना स्किप किए हुए, तो आपका सूप भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। क्योंकि बहुत सी पॉइंट की बातें होती हैं जो आप स्किप करेंगे तो वो रह जाएंगी देखने से। चलें बस अभी से मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चिकन कॉर्न सूप मैंने डिश आउट कर दी और कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, खाने में भी मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी भी लगी। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।